कोरोना वायरस के चलते चिचोली के अलावा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में हम लोगों की हिफाजत करने के लिए लगे हैं पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी। वहीं श्रीनी साईनाथ महाराज परिवार के संजय चौधरी, निगम और गोलू के अलावा अन्य लोगों ने एक साथ होकर यह फैसला लिया कि हमारी मुस्तैदी में लगे पुलिस जवानों के लिए हम स्वल्प आहार करवाएँ। तो वहीं इस दौरान अगर देखा जाए तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर पुण्य कार्य में हिस्सा लिया है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्रामीण और नगरवासियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं पुलिस प्रशासन ने राहगीरों को हिदायत दी है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। उनकी उठक बैठक भी लगवाई जा रही है, किसी किसी लोगों की डंडे से पिटाई भी की जा रही है। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा जनमानस के लिए जो जन सहयोग प्रदान किया जा रहा है वह बहुत तारीफ योग्य है। पूरा प्रशासन जो लगा हुआ है, दिन रात जो निरंतर वो सेवा भाव से यहाँ पर जो कार्य कर रहा है वो बेहद तारीफ के काबिल है। और मैं पूरे चिचोली की ओर से पूरे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और हमारा पूरा शहर भी प्रयास कर रहा है कि अपने घरों से ना निकले। और साईदाम परिवार की ओर से इनके स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई थी थोड़ी सी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिचोली में जो पुलिस प्रशासन हमारे लिए सेवा से जब से कोरोना वायरस की खबर फैली है तब से सेवा में कार्यरत हैं। भूखे प्यासे तो थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि हम लोग तो घर में सुरक्षित हैं, लेकिन हमारे साथ जो पुलिस दल लगा हुआ है, सरकारी दल जितने भी लगे हुए हैं, उन लोगों की सेवा देख के हम लोगों ने साईधाम गोंडू मंडे चिचोली की तरफ से बिस्किट और चाय का प्रोग्राम रखा है। और ऐसा ही इनकी सेवा लगी रही और हम लोग भी इनके साथ लगे रहेंगे और कोरोना वायरस को जल्द से जल्द बाहर भगा देंगे। तो यहाँ पे इनको खिलाया आप लोगों ने यहीं लाकर, है जी? जी जी